हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा था एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन अ मीटर्स एंड टी इन अ सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इज। और ये जो क्वेश्चन आ रखा है ये आ रखा है नीट 2017 में, और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो एक्स एंड वाई दे रखा है मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा ताकि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में ना वेलोसिटी मिल जाए। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट की है, तो यहाँ मैंने लिख दिया वी एक्स इजिकल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ एक्स की जगह पुट कर दिया 5t माइनस 2t स्क्वायर। और इसको जब हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा वी एक्स आ रहा है वो आ रहा 5 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी, वाई की जगह पुट कर देंगे हम 10t, तो यहाँ से जो हमारा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे डी वी एक्स अपॉन में डी टी, वी एक्स की जगह पुट कर देंगे 5 माइनस 40 और इसको विद रिस्पेक्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आप देख सकते हैं आ रहा है 0। यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।